नमस्कार, आप सभी का VC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि का अंतिम भाग कौन सा है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इससे रिलेटेड आपसे बात हो रही है। तो इसमें मुख्य प्रविष्टि मेन एंट्री है, इसका लास्ट सेक्शन आपसे पूछा गया है। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड? 6, ठीक है, 6 सेक्शंस में डिवाइड है मेन एंट्री। सभी को पता है कौन सा है, नोट सेक्शन, कंटेंट सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन या सीरीज सेक्शन, बताइए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसकी मेन एंट्री को डिवाइडेड किया गया है 6 सेक्शंस में। देन फर्स्ट सेक्शन आपके सामने है, लीडिंग सेक्शन, नेक्स्ट है हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल सेक्शन, फोर्थ नंबर पे है आपका नोट सेक्शन, फिफ्थ नंबर पे एक्सेशन नंबर, 6 एंड लास्ट सेक्शन प्रेसिंग सेक्शन, जो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, लास्ट है प्रेसिंग सेक्शन। ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसकी लंबाई, इसका कितना होता है, लेंथ कितनी है इसकी, 12.5 सेंटीमीटर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, और ब्रेथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को पता है कॉल नंबर है, हमेशा एंट्रीज़ में पेंसिल से लिखा जाता है। इसमें और कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं, बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट्स, सीरीज, है ना। उसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री, CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एंड CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज। ठीक है, ये एंट्रीज बनाई जाती है। ट्रेसिंग सेक्शंस को डिवाइडेड किया जाता है वर्टिकली 2 इक्वल इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक लाइंस होती है, उसमें दो उसमें डिवाइड किया जाता है इस तरह से। यहाँ पे होता है CIE क्लास इंडेक्स एंट्री, BIE बुक इंडेक्स एंट्री, CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, और यहाँ पे बनता है CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, इसे अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट भी में इसको कहा जाता है। ठीक है, 3 इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, एंड राइट पार्ट डिवाइडेड अगेन 3 इक्वल इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। When was Sears list of subject heading first published?
विषय शीर्षक की सीरियस सूची पहली बार कब प्रकाशित की गई? ओरिजिनली सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 1923 में। ऑथर कौन है? मिनी अर्ल सीयर्स। ठीक है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर्मुलेटेड बाय मिनी अर्ल सीयर्स और फर्स्ट पब्लिश्ड एस डब्ल्यू विल्सन इन 1923। तो राइट आंसर क्या है? 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक रंगनाथन इंट्रोड्यूस्ड कैनन ऑफ कैटलॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा पहली बार किस पुस्तक में कैटलॉगिंग के सिद्धांत बताए गए? बताइए, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। ईयर क्या है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड? 1938। और डिक्शनरी कैटलॉग कोड एंड फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बताइए 1931, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बताइए। तो इसमें आंसर आता है आपका कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड में बताया गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड में 1938 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसमें कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग इसके बारे में रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज सेटअप इन द वर्ल्ड एट कोलम्बिया कॉलेज न्यूयॉर्क? कोलम्बिया कॉलेज न्यूयॉर्क में विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1885, 1886, 1887 या 1888? बताइए, राइट आंसर है अपना 1887। 1887 में कोलम्बिया कॉलेज न्यूयॉर्क में विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट, फोनिक्स शेड्यूल्स आर पार्ट ऑफ, फोनिक्स जो शेड्यूल है वह किसका भाग है? डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, बीसी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या एलसीसी लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम? ये स्कीम्स के नाम हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम्स के। डीडीसी दशमलव वर्गीकरण पद्धति, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन भी स्कीम है, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम भी है, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सार्वभौमिक है ना, और एससी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन विषय, बीसी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो फोनिक्स शेड्यूल पार्ट किसका है? डीडीसी का। डीडीसी ईयर है 1876 बाय मेलविन डीवी। ठीक है, ईयर की बात कर लेते हैं और अपन बीसी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935, यूडीसी 1905 में पॉल ऑटलेट हेनरी लॉ फॉन्टेन, और एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका ईयर है 1904। कौन सी बची है अब? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कटर के द्वारा दी गई है 1893 में। ठीक है, सारी बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पब्लिशर ऑफ द अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्ट्री?
अलरिच अंतर्राष्ट्रीय जो आवधिक निर्देशिका है, इनके प्रकाशक कौन हैं? एच डब्ल्यू विल्सन, प्रोक्यूस्ट, हार्पर कॉलिंग्स या आर आर बाउकर? बताइए। अलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्ट्री 1965 में न्यूयॉर्क में पब्लिश है ये। अलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्ट्री, इसके पब्लिशर हैं न्यूयॉर्क आर आर बाउकर, 1965 में ये पब्लिश हुई है। ठीक है, तो आर आर बाउकर इज राइट आंसर। इसमें प्रोक्यूस्ट प्रोड्यूसर हैं, लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल है, हिस्ट्री स्टार्टिंग में 1932 से प्रेजेंट, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना, 1932 प्रेजेंट में है इसका स्टार्टिंग में। प्रिंट वर्जन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1932 एंड फाउंडेड बाय कैरोलिन एफ अलरिच। ठीक है, डायरेक्टरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट दैट वॉज चेंज्ड लेटर? ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट चेंज होने के बाद आपसे पूछा गया है इनका नाम, बताइए। कैटलॉग ऑफ करंट लिटरेचर, रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश रेफरेंस मैनुअल या ब्रिटिश रेफरेंस बुक्स इन प्रिंट, बताइए। इसका नाम रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर इज राइट आंसर। ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, ऑथर हैं इनके जे विटेकर एंड सन्स। ठीक है, नोट करते जाइएगा। पब्लिशर हैं लंदन जे विटेकर, न्यूयॉर्क आर आर बाउकर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम गिवन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर फॉर बुक मोबाइल? बुक मोबाइल डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा क्या नाम दिया गया? लिब्रा ड्राइव, लिब्रा शीन, लिब्रा मॉब या बुक मॉब, बताइए। ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा बुक मोबाइल का नाम दिया गया लिब्रा शीन। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? लिब्रा शीन। हु पब्लिश लाइब्रेरी ट्रेंड्स? लाइब्रेरी ट्रेंड्स को किसके द्वारा पब्लिश किया गया, बताइए। लाइब्रेरी ट्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की
से रिलेटेड है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलियस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी किसके द्वारा पब्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। '52 से अब तक प्रेजेंट में है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स, पब्लिशर हैं इसके जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली, त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक। Who founded the Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal कहाँ पे founded है, established है, किसके द्वारा किया गया था, founder कौन है इसके, Lord Curzon, Tipu Sultan, Sir William Jones या Lord Connemara? बताइए, Asiatic Society of Bengal इसका ईयर है, फाउंडेड ईयर है इसका 15 जनवरी 1784, इसका फाउंडेड ईयर है। और सर विलियम जॉन्स के द्वारा स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंट हैं इनके स्वपन कुमार पैरामैनिक, ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट एंटर्ड इन इंडिया, भारत में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को कब दर्ज किया गया, 1865, 1866, 1867 या 1868, बताइए, ईयर है इसका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, इसका ईयर है 1867, ठीक है, 1867 इसका ईयर है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट का। नेक्स्ट, विच लाइब्रेरी फर्स्ट अडॉप्टेड कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम्स ऑन March 30, 1974, 30 मार्च 1974 को किस पुस्तकालय ने पहली बार कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को अपनाया, बताइए, 30 मार्च 1974 डेट दी गई है इसमें, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन या ब्रिटिश म्यूजियम, तो इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट टाइम 30 मार्च 1974 को कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, हु मेड पायोनियरिंग एफर्ट्स फॉर ओपन एक्सेस इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में ओपन एक्सेस के लिए प्रयास किए गए किसके द्वारा, जेम्स डफ ब्राउन, जे एस मिल्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, यूके में ओपन एक्सेस, बताइए, जेम्स डफ ब्राउन, इनके द्वारा एफर्ट्स किए गए थे ओपन एक्सेस के लिए। हु इज द फर्स्ट एमरिटियस प्रोफेसर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पहले
एमेरिटस प्रोफेसर कौन हैं? डी एन मार्शल, पी एन पोला, जे एस शर्मा या सी जी विश्वनाथन? बताइए कौन है पहले प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भारत में? ये हैं पी एन कोला। पी एन कोला बताइए पूरा इसका, इनका पूरा नाम बताइए। पी एन कोला बताइए पूरा नाम इनका। जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर का नाम है शियाली रामामृत रंगनाथन, उसी तरह से पी एन कोला सर का नाम बताइए। डेट ऑफ ईयर है इनका 1924। क्या है इनका बर्थ ईयर? और डेथ ईयर है इनका 2009। ठीक है, ये इनका डेथ ईयर है। तो पी एन कोला पूरा नाम है इनका पृथ्वी नाथ कोला। ठीक है, पूरा नाम क्या है? पृथ्वीनाथ कोला। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट द सिस्टमैटिक यूज ऑफ द यूज़र एजुकेशन? उपयोगकर्ता शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग में किसने योगदान दिया? यूज़र एजुकेशन के व्यवस्थित, बताइए किसने दिया? एस एस ग्रीन, मेलविन डीवी, ईजे कॉट्स या पैट्रिशिया बीकनेप? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? पैट्रिशिया बीकनेप के द्वारा यूजर एजुकेशन का सिस्टमैटिक यूज में योगदान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्यूरी प्रिंसिपल आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्यूरी प्रिंसिपल सिद्धांत किससे संबंधित है? कैटलॉगिंग, सूचीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, बुक सेलेक्शन या मैनेजमेंट प्रिंसिपल? तो ये ड्यूरी प्रिंसिपल रिलेटेड है बुक सेलेक्शन, पुस्तक चयन प्रिंसिपल से संबंधित है। ठीक है, ड्यूरी प्रिंसिपल ये 1930 में दिया गया था। क्या है? टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये ड्यूरी प्रिंसिपल है रिलेटेड टू बुक सेलेक्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। रीडर इज में सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर रीडर है। बुक, ठीक है, 1930 ईयर बता चुके हैं। उसके बाद बुक सेलेक्शन जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें मेलविन डीवी के द्वारा बुक सेलेक्शन का प्रिंसिपल दिया गया। आप लिख लीजिएगा द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये मेलविन डीवी के द्वारा दिया गया था बुक सेलेक्शन का नियम। एल और मैकॉलविन इनके द्वारा भी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी।
बुक सेलेक्शन नियम की बात हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ईयर क्या है 1925, ड्यूरी का क्या था 1930, ठीक है। एल आर मैकॉल्विन के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी गई थी, बुक सेलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें इनके द्वारा कहा गया था बुक्स इन themselves are nothing। कई बार इस तरह से quotes करके भी पूछा जाता है कि ये quotes किसके द्वारा कहा गया है या ये quotes किससे संबंधित है। रंगनाथन सर के द्वारा भी बुक सेलेक्शन को लेके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट थ्री लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हेल्पफुल हैं ये फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्शंस, ठीक है। बुक सेलेक्शन के लिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जो स्टार्टिंग में 3 लॉज हैं वो इससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट लॉ कौन सा है, सभी को पता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बुक्स आर फॉर यूज़, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक, ये सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है। तो ये आपके बुक सेलेक्शंस के रूल्स नियम हैं जो ड्यूरी प्रिंसिपल ड्यूरी के द्वारा दिया गया 19 बताइए ईयर बताइए ड्यूरी के द्वारा 1930 कॉट बता चुके हैं, मेलविन डीवी के द्वारा भी दिए गए हैं, मैकॉल्विन एल आर मैकॉल्विन के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी 1925 और रंगनाथन सर के द्वारा 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये अभी जस्ट आपको बताया था डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन डिस्कवर्ड बाय हूँ, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया, ये जस्ट अभी आपको बताया गया है। एल आर मैकॉल्विन इज राइट आंसर। एल आर मैकॉल्विन सर के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बुक सेलेक्शंस, ईयर क्या है 1925, ठीक है। इसको डिटेल में अभी जस्ट किया है अपन ने। इन्होंने लिखा है बुक्स इन देमसेल्फ आर नथिंग, दे हैव नो मोर मीनिंग देन द वाइट पेपर अपॉन विच दे आर प्रिंटेड अंटिल दे आर मेड सर्विसेबल बाय डिमांड, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी एल आर मैकॉल्विन रिलेटेड टू बुक सेलेक्शंस एंड 1925, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये जस्ट अभी अपन ने डिटेल में स्टडी किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन एक्सेस डेटाबेस, कौन से इनमें से ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है, कौन सा नहीं है, DOAJ, एरिक ERIC, विकिपीडिया या एमरल्ड इनसाइट, बताइए इनमें से कौन सा है जो ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है। डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। DOAJ फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, तो इसके फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है ये ओपन एक्सेस जर्नल से रिलेटेड है। उसके बाद है एरिक
एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर एरिक इज ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन स्पॉन्सर्ड कौन स्पॉन्सर्ड करता है एरिक को इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब इसमें जो एमरल्ड इनसाइट है ये ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है। विकिपीडिया ये मल्टीलिंगुअल फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, इसमें क्रिएटेड बाय विकिपीडिया की बात हो रही है, क्रिएटेड जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर। ठीक है, ये क्रिएटेड हैं जिमी वेल्स एंड लैरी विकिपीडिया के। ठीक है, तो एमरल्ड इनसाइट ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान क्या है? ये एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है, सारकरण बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस या प्राइमरी जर्नल है या ए सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बताइए। तो लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। इसमें इनका ईयर है 2011, HW विल्सन कंपनी के द्वारा पब्लिश है। ठीक है, इसे एबेस्को पब्लिशिंग को सॉल्ट किया गया अलोंग विथ अदर HW विल्सन इंडेक्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज ए बिब्लियोग्राफिक डेटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोर्स वर्ड ऑफ लर्निंग इज वर्ड ऑफ लर्निंग, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, सभी को याद हो गया होगा वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है। बिब्लियोग्राफी ऑफ पीरियोडिकल्स, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफिकल सोर्सेज या डायरेक्ट्री। तो वर्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्ट्री है, निर्देशिका। पब्लिशर कौन है वर्ड ऑफ लर्निंग के? लंदन एलन एंड अनविन। ईयर क्या है? 1947। ठीक है, नेक्स्ट, लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड फ्रॉम, लाइब्रेरी हेराल्ड प्रकाशित होता है कहाँ से? प्रकाशित होता है कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली या लखनऊ। लाइब्रेरी हेराल्ड इज क्या है? ये पीयर रिव्यूड स्कॉलरली रिसर्च जर्नल। फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली। किसके द्वारा है? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। ईयर क्या है? 1958। ठीक है, लाइब्रेरी हेराल्ड, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली राइट आंसर है। लाइब्रेरी हेराल्ड पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोविंग. नेस्डॉग कौन सा विज्ञान सूचना प्रणाली है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो नेस्डॉग, डेवसिस, इनिस या डेसीडॉग. ठीक है, अब तो सबको याद हो गया होगा ये सारी चीज़ें, बार बार अपन रिपीट ही कर रहे हैं. नेस्डॉग फुल फॉर्म नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डिवीज़न ऑफ ICSSR. डायरेक्टर कौन है फ्यूचर में नेस्डॉग के, मिस्टर रमेश यर्नाकुला. ठीक है, डेवसिस डेवलपमेंट साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है क्या, साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम. डेवसिस साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो राइट आंसर क्या है, डेवसिस. नेक्स्ट इनिस, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम. ईयर क्या है, 1970. हेडक्वार्टर क्या है इनिस का, वियना ऑस्ट्रिया. ठीक है, बेस्ड इनिस इज बेस्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, ऑपरेटिंग सिंस 1970. इनिस ऑपरेटेड बाय IAEA. ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है, डेसीडॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1970. डायरेक्टर कौन है प्रेजेंट में, डॉक्टर अलका सूरी. इसमें दो डायरेक्टर दिखाए जा रहे हैं भाई, ये ना एक बार देख लेना कौन है. प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ डेसीडॉग डॉक्टर के नागेश्वरा राव, ये कंफर्म करके बताइएगा मुझे. डेसीडॉग में डिवीज़न किसका है, डिवीज़न ऑफ DRDO. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड दिल्ली. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डेवसिस. नेक्स्ट, हु गेव द आइडिया ऑफ डिकैकोटोमी. डिकैकोटोमी का विचार किसने दिया, 10 में डिवाइड किया जाता है उसको.
डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, मेलविन डीवी, सीए कटर या एच ई विल्स, सभी को पता होगा मेलविन डीवी इज राइट आंसर। डीके कॉटोमी किसके द्वारा दिया गया है? मेलविन डीवी। जियो फिजिक्स हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जियो फिजिक्स, लेमिनेशन, परतीकरण, फ्यूजन, विलयन, फीजन, विखंडन या एग्लोमरेशन। तो जियो फिजिक्स का राइट आंसर है फ्यूजन। फ्यूजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट गिवन बाय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों, उनकी जिम्मेदारी है। इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया है? एस आर रंगनाथन सर, गोपाला राव, एक्बोल्टे, सिन्हा कमेटी या यूनेस्को मैनिफेस्टो। राइट आंसर क्या है? यूनेस्को मैनिफेस्टो। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पैक्ट फैक्टर इज डिवाइज्ड बाय। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है बताइए? इम्पैक्ट फैक्टर यूजिन गॉरफील्ड, एलन पिचयार्ड, डेविड ह्यूम या लुइस ब्रैंडिस। इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया है यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा। यूजिन गॉरफील्ड कौन है? बिब्लियो ग्राफर। इन्होंने बैचलर इन केमिस्ट्री फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1949। ये जॉन हॉपकिंसन इनके मतलब प्रोजेक्ट है वो तैयार, इनके साथ काम किया था। एंड प्रोड्यूसिंग एन इंडेक्स ऑफ मेडिकल जर्नल्स आर्टिकल्स, मेडिकल जर्नल्स आर्टिकल्स के इंडेक्स बनाए थे। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है? यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर दिया गया है। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन ए मोनोग्राफ ऑफ। डेल्फी टेक्निक की चर्चा सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? ओ हेल्मर, ई नागेल, डी एम पॉटर या जे एच शेरा। तो डेल्फी टेक्निक डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट, किसका प्रोजेक्ट है? रैंड ड्यूरिंग 1950 से 1960। किसके द्वारा है? ओ हेल्मर, पूरा नाम ऑल्फ हेल्मर नॉर्मन डेल्की एंड निकोलस रिसर्चर, निकोलस रेसर, इनके द्वारा विकसित किया गया है डेल्फी पद्धति प्रोजेक्ट रेंड। ऑल्फ हेल्मर, नॉर्मन डेल्की एंड निकोलस रेसर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI इज डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेटिक्स इंडिया।
डेवलप्ड बाई, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। इंफॉर्मेटिक्स इंडिया, वीरू टेक्नोलॉजी, डेलनेट या नॉलेज फाउंडेशन। इंडियन साइंस इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? नॉलेज फाउंडेशन, ज्ञान फाउंडेशन के द्वारा। इंडियन साइटेशन इंडेक्स नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया था MS DIVA एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था मैसर्स डीवा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। नेक्स्ट, विद्वान इन्फिनिट इज, विद्वान इन्फिनिट क्या है? एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एन एसोसिएशन एंड इंटेलेक्चुअल्स, ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है विद्वान इन्फिनिट? पूरा डिटेल में बताया था मैंने आपको, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में इन्फिनिट के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, यदि कुछ बच्चों का रह गया है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा इसको, क्वेश्चंस आएगा तो इस पर हम डिटेल में स्टडी और कर लेंगे। तो विद्वान ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। ठीक है, क्या है ये एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क? ठीक है, विद्वान रिलेटेड टू इन्फिनिट। नेक्स्ट, शोधगंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ, शोधगंगा रिपोजिटरी है ई रिसोर्सेज, ई थीसिस, ई जर्नल्स या ई बुक्स? बताइए, शोधगंगा डिजिटल रिपोजिटरी है, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन सेटअप बाय शोधगंगा, सभी को पता है। इन्फिनिट सेंटर, इसमें शोध वर्ड है, ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत, स्टैंड फॉर क्या है इसका? रिसर्च एंड डिस्कवरी। ठीक है, इन्फिनिट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसका प्रेमिसेस ये कहाँ? गांधीनगर गुजरात में है। सेंट्रल स्टार्टेड इन मार्च 1991, प्रोजेक्ट अंडर द
इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडिपेंडेंट एंटिटी, जून 1996। इन्फ्लिमनेट सेंटर की बात हो रही है, इन्फ्लिमनेट के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। इन्फ्लिमनेट पब्लिश करता है क्वार्टरली न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इंडिकेट है इसका। इंडिकेट क्या है? यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बाय प्रोडक्ट ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन ऑफ इन्फ्लिमनेट सेंटर। फिर है सॉल 3.0 सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है। ई कंसोर्शिया, ई कंसोर्शिया में क्या क्या ऐड होते हैं? ई कंसोर्शिया में ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु इनिशिएटिव ऑफ कंसोर्शियम हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ये प्रोवाइड करवाते हैं एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, फुल टेक्स्ट जर्नल्स ई बुक्स, ठीक है। फिर है एन लिस्ट, एन लिस्ट पूरा नाम है इसका, एन लिस्ट का नोट कर लीजिएगा, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। रेगुलर स्कीम है इसमें यूजीसी, अंडर यूजीसी इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम एंड कॉलेज कंपोनेंट मर्ज इनटू ई शोध सिंधु, ठीक है। यूजीसी इंफोनेट एनलिस्ट ये एआईसी ये सभी ई शोध सिंधु में मर्ज कर दिए गए हैं। फिर है इन्फी स्टेट्स, ये डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड इन्फी स्टेट्स मॉनिटरिंग द यूजर यूजेज स्टेटिस्टिक्स वेरियस ई रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा ई रिसोर्सेज स्टेटिस्टिक्स है उसे यूज़ किया जाता है इसके द्वारा, एक्सेसिबल टू द मेंबर इंस्टीट्यूशंस। और क्या है इन फीट इन्फ्लिमनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन इनफिड सेटअप विच यूज शिब वॉल्ट। फिर है शोध शुद्धि, ये नया अभी हुआ है, शोध शुद्धि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। ये शोध शुद्धि क्या हो गया? ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है टू ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स जो इंक्लूड हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फिर ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव में क्या है? इसमें है शोध गंगा, शोध गंगा रिलेटेड टू ई थीसिस सबमिट किया जाता है इसमें, सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ थीसिस एंड डेजिटेशंस किसके द्वारा? स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। फिर शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री है अंडर द इनिशिएटिव रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च सुपरवाइजर
इन यूनिवर्सिटीज़ कुछ डिपॉजिट इनको डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अप्रूव्ड सिनॉप्सिस शोध गंगोत्री रिलेटेड टू सिनॉप्सिस रिसर्च स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्स अंडर द पीएचडी प्रोग्राम्स सिनॉप्सिस उन्हें शोध गंगोत्री में सबमिट किया जाता है. नेक्स्ट है शोध चक्र. शोध चक्र ये प्रोवाइड करवाता है यूनिक स्पेस किन्हें स्पेस प्रोवाइड करवाता है रिसर्चर गाइड सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटीज टू मैनेज द रिसर्च लाइफ साइकिल ऑफ ए रिसर्च स्कॉलर. ठीक है फिर रिसर्च प्रोजेक्ट डेटाबेस ये प्रोवाइड करवाता है डिटेल कंप्लीट एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो फैकल्टी मेंबर्स और जो यूनिवर्सिटीज़ इनमें वर्किंग हैं उनके द्वारा. फिर है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी. इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को IR@infflibnet. नेक्स्ट है इन्फोपोर्ट. इन्फोपोर्ट क्या है इन्फ्लिबनेट सब्जेक्ट गेटवे ऑफ और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सपोर्ट करता है ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज बाय डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स. अब है ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज. ई कंटेंट डेवलपमेंट सर्विसेज में ILMS आता है. ILMS इन्फ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ये प्रोवाइड करवाता है EPG पाठशाला ए गेटवे टू PG कोर्सेज एज गाइडलाइंस ऑफ UGC. इसके अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उस इन्फ्लिबनेट के वो हैं विद्वान जिसकी अभी बात हुई है एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क IRINS. ये क्या है वेव बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय इन्फ्लिबनेट सेंटर. फिर है EPG पाठशाला इनिशिएटिव ऑफ द MHRD अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. फिर है ई अध्ययन. ये रिलेटेड है ई अध्ययन रिलेटेड ई बुक्स जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया शोध गंगा इज ए रिपोजिटरी उस तरह से आ सकता है ई अध्ययन रिलेटेड टू ई बुक्स. ठीक है UGC मॉक्स ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है ई पाठ्य ये ऑफलाइन एक्सेस. ठीक है UGC मॉक ऑनलाइन कोर्सेज ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस. कन्वेंशंस इन्फ्लिबनेट के द्वारा कैलिबर कैलिबर फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये इसका फुल फॉर्म है कैलिबर का और है प्लानर.
प्लानर फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन। ठीक है, इन्फ्लिपनेट डिटेल में दोबारा मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एक बार अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इन्फ्लिपनेट से रिलेटेड। ओके, तो ये अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, शोधगंगा, जिसका आंसर है रिलेटेड टू ई थीसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कंटिन्यू स्टडी कीजिए।